नेटफ्लिक्स पर प्रसारित हो रहे कार्यक्रम असुटेबल बॉय में फिल्माए गए हिंदू विरोधी और आपत्तिजनक दृश्यों के बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने नेटफ्लिक्स के पदाधिकारियों मोनिका शेरगिल और अंबिका खुराना के खिलाफ मामला दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि परीक्षण में पाया गया कि फिल्म में दिखाए गए दृश्य एक विशेष धर्म के लोगों की भावना को आहत करते हैं, जिस पर प्रसारित करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि नेटफ्लिक्स पर प्रसारित हो रही वेब सीरीज असुटेबल बॉय ने एक धर्म विशेष के लोगों की भावना को आहत किया है। उन्होंने कहा वेब सीरीज को लेकर उन्होंने इसके जांच के आदेश दिए थे, जिसमें पाया गया कि फिल्म में दिखाए गए सीन आपत्तिजनक हैं और वह एक विशेष धर्म के लोगों की भावना को ठेस पहुंचा रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा ने कहा रीवा में इस संबंध में गौरव तिवारी के आवेदन पर 295A के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। नेटफ्लिक्स के मोनिका शेरगिल और अंबिका खुराना के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। ये सूटेबल जो पिक्चर है ये विशेष वर्ग की भावनाओं को आहत होने वाली परीक्षण में आई है। मैंने प्रोफेसर अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि इसका परीक्षण कर ये परीक्षण के बाद कृत धर्म विशेष की भावनाओं को आहत करने का प्रथम दृष्टया पाया गया है, इसलिए तय किया है कि रीवा में धारा 255A के तहत इसका प्रकरण दर्ज किया जाए। जो फरियादी हमारे गौरव तिवारी हैं उनके आवेदन पर और उक्त प्रकरण नेटफ्लिक्स के पदाधिकारी मोनिका शेरगिल एवं अंबिका खुराना के विरुद्ध भी दर्ज किया जाए। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।